पंचकुला से हैं नेक्स्ट कॉलर अश्विनी कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। हकीम साहब की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। आदाब, जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं भी आपकी खिदमत में पेश हूँ, बताइए क्या सवाल है। मैंने पीछे आपसे सवाल किया था कि मेरे लड़के की किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी और वो जो मेडिसिन दे रहे थे तो उसको उससे बवासीर हो गई थी, तो उसको पखाना जाते हुए बड़ी तकलीफ होती थी और रोता था वो। तो आपने जैतून का जो नमक बताया था वो हमने देना शुरू किया, वो बिल्कुल ठीक है आपकी कृपा से। अरे भगवान का बड़ा शुक्र है। क्या क्या फायदा हुआ, कितना कितना लिया? आपने बताया था जितना उतना ही लिया, चुटकी भर कहा था आपने, एक गिलास पानी में चुटकी भर लेना है। तो दो टाइम बताया था आपने, दो टाइम हम दे रहे और अब वो बिल्कुल मतलब ठीक है, उसको कोई तकलीफ नहीं है बवासीर की। किडनी का क्या हाल है उसका? किडनी ठीक है जी, किडनी का भी क्रिएटिनिन भी ठीक है। और दूसरा सवाल हकीम साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो उसकी अपनी पहली किडनियाँ है वो 30% चल रही थी, तो आपने ये जो बताया फार्मूला इससे वो भी दोबारा हो सकती है ठीक? देखिए वादा नहीं करता, लेकिन अच्छा ये देखिए एक रॉ मटेरियल है, आपको असली मिल गया है, फायदा शुरू हो गया। और आप जब टेस्ट कराएं, देखिए हम किडनी ट्रांसप्लांट इसलिए कराते हैं कि वो अपना काम नहीं करती, अगर ये काम करने लगी है उससे बेहतर तो आप उम्मीद रख सकते हैं, इसे देना बंद नहीं करें। देखिए बवासीर उसकी ठीक हो गई, पेट ठीक हो गया है, और इसके साथ अलसी ले लीजिए, अलसी ले लीजिए थोड़ी 300-400 ग्राम, और इसको हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, एक चम्मच अलसी दें और एक चुटकी इसमें ये नमक जैतून मिलाकर उसी तरह दे, दो बार दिया करें, और जैसे ही इसकी रिपोर्ट आए तो आप हमसे या हमारे, कभी फ़ोन नहीं मिलता, बहुत फ़ोन होते हैं, तो उनसे रابطہ करें। अगर इनकी क्रिएटिनिन कम होने लगी है तो समझ लीजिए बच्चे को फायदा भी मुमकिन है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।